हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आज के हमारे प्यारे से ब्लॉग में। तो अभी मैं कहीं और आया हूँ, कहीं और नहीं मतलब अपनी बुआ के घर आया हूँ। तो यहाँ शादी है तो इसी में आया हूँ, तो सोचा क्यों नहीं यहाँ आया हूँ तो आप लोग के साथ शेयर करूँ यहाँ गाँव कैसा है। मतलब सब कुछ बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन है यहाँ पे, मुझे बहुत पसंद है गाँव और यहाँ तो मुझे बहुत मन लगता है। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज दिखाएंगे, मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा घूमूंगा मतलब बुआ का गांव आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए अभी तो पीछे का दिखाते लोकेशन कैसा है। तो ये सूर्य देवता और ये पीछे बगीचा है, पूरा लीची बगान है, पूरा लीची मुजफ्फरपुर में तो पूरा लीची। और ये पूरा गांव, चलिए आगे दिखाते हैं। इधर तो सबका घर है तो नहीं दिखे, तो आगे दिखाते आपको, देख सकते हैं। और आगे कुहासा भी भर चुका है, अब ठंडा आ चुका है ना, ठंडा का टाइम। तो चलिए आगे आप लोग को दिखाते हैं उस साइड से। ऐसा लोकेशन है यहाँ के गांव का, बस बहुत अच्छा व्यू, बहुत मज़ा आता है। और अभी तो पंडाल लगा हुआ है और अभी मॉर्निंग के लिए खाना बन रहा है हम लोगों के लिए। बहुत प्यारा सा लोकेशन है, यहाँ पे बहुत कुछ है जो मैं आज आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। और उधर पूरा गाछी है, पूरा गाछी है उधर, और उधर भी पूरा गाछी, बहुत मज़ा आता है यहाँ आने का। तो दिखाते हैं आज पूरे दिन क्या क्या करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ शेयर करेंगे। मैंने छत पे से जो दिखाया था कि उधर ये गाछी है, मतलब यही देखिए। और यहाँ पे छोटा सा तालाब या नदी कह सकते हैं, जो बरसात के पानी के वजह से मतलब भर चुका है। और ये देखिए कितना लंबा चौड़ा गाछी है, कितना दूर में है यार, रात को बहुत डर लगेगा इधर आने में। और यहाँ पे अभिषेक को देखिए दतमन तोड़ते हुए गाछी में। तो भाई कैसा लग रहा है गाँव में आके? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। और गांव का ये बड़ा मस्त चीज, पेड़ से दतमन तोड़ना और मुंह धोना, इसे दांत बहुत। और आपको दिखाते हैं गाछी, मतलब बस बिट्टी इसको कहते हैं हम लोग, बसवारी आई थी, सॉरी बसवारी कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ आए हम लोग दतमन तोड़ने, मैं बड़ा मज़ा आ रहा है घूम के यार। और ये क्या, ये स्टोर रूम कुछ तो है, मतलब किसी का रूम है। तो आपको देखिए, और अभिषेक लगे हुए हैं सुबह के, जो दिनचर्या होता है वही में लगे हुए हैं अपना डेली रूटीन में। तो अभिषेक जी, तो अभी चलिए और चलते हैं घूमते हैं और पूरे गांव को एक्सप्लोर करते हैं और मस्ती करते हैं पूरे दिन। तो चलिए समय हो गया है शाम का और हम लोग चलते हैं यहाँ के चौक पे, या जो मार्केट कहते हैं गाँव का, कैसा मार्केट होता है। तो हम लोग अभी मूड किया है कि घूम के आए और आप लोग को दिखाएं यहाँ का क्या क्या है। तो अभिषेक जी क्या कीजिएगा जाके मार्केट में? चलिए ना घूमते हैं, देखते हैं कैसा है यहाँ का, कैसा मार्केट। तो पार्टी दीजिएगा ना मार्केट में? हाँ चलिए, और आपको दिखाते हैं यहाँ का मतलब रास्ता। नीतीश जी, नीतीश जी सही में काम किए हैं रोड पे, तो सही में काम किया, यहाँ का रोड मस्त है। और अपनी धनों के साथ चलते, तो चलिए मिलते हैं मार्केट में। Do you believe me that I'm alone? It's true, would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you? तो हम लोग आ चुके हैं मार्केट में और आपको दिखाते हैं मार्केट का व्यू, यहाँ पर क्या क्या मिलता है नहीं सब कुछ आपको दिखाते हैं। तो ये है बजला मार्केट मुजफ्फरपुर सुधा डेयरी के पास। तो सोचते हैं सुधा डेयरी भी जाए, थोड़ा बाहर से तो परमिशन नहीं मिलेगा, आई थिंक सॉरी अंदर से परमिशन नहीं मिलेगा वीडियो बनाने का, तो बाहर से आपको दिखाएंगे। चलिए अभी मार्केट में घूमते हैं। पार्क हो चुकी है और कभी कपड़ा की दुकान में यहाँ जाते हैं, टी शर्ट लेना है ज़रूरी है कल के लिए। तो अभिषेक जी को खरीद देते एक टी शर्ट। अभिषेक जी क्या कहना चाहिए, आपका टी शर्ट नहीं मिला, कैसा लग रहा है? वाइट कलर बहुत रेयर कलर है। अरे यहाँ आके फंस चुके आप, मार्केट जाने का तो टाइम नहीं है, देखते हैं यहीं पे मिलता है कि नहीं हम लोग का कपड़ा। चलो इसमें पूछो। तो अभिषेक जी इस दुकान में भी आपका टी शर्ट नहीं मिला, कैसा दिल कर रहा है? ऐसा कैसा सब दुकान खोल कर रह जाता है। तो चलिए, तो यहाँ पे ये सब्जी मंडी लग चुका है शाम को, यहाँ पे बहुत बड़ा पेटियाँ लगता है, सस्ता सस्ता सब्जी रहता है। और उधर मोमोज वाला, और
यहाँ पे स्वीट्स का दुकान है, मतलब समोसा लिट्टी सबका। तो ये छोटा सा मार्केट है, मतलब क्या ही सर मार्केट है, अच्छा खासा है। और वहाँ पे फोर लाइन आप लोग देख सकते, और ये पूरा सब्जी मंडी अच्छे रेट पे और फ्रेश फ्रेश सब्जी मिलता है यहाँ। तो चलिए दिखाते हैं अंदर का पेटियाँ, यहाँ पे स्वीट सब का दुकान। मज़ा आता है गांव के पेटियाँ में घूमने में, सब कुछ मिलेगा। उस जमाने में जो जैसे मिलता था पेटियाँ में कपड़ा, आज भी वैसा ही चलता है, पड़ता चल रहा और चलेगा। फेरी वाले इन सब को फेरी वाले भी कह सकते। और वो फोर लाइन का मीज है, और ये पूरा पेठियाँ का लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, पूरा पेठियाँ है। देखते हैं चुके हैं, आई थिंक मिल गया इसमें, तो देखते हैं। तो देखते हैं मिलता है कि नहीं, मैं भी नहीं मिलेगा आई थिंक, नहीं होगा ये भी नहीं होगा। तो यहाँ का ये होटल है, अच्छा है, अच्छा बनाया है यार होटल। और यहाँ पे जनरल स्टोर कह सकते हैं, जिसमें शादी का सजावट का सामान मिलता है, कॉस्मेटिक का सामान इस मार्केट। और किधर से चलेगा, रवि मार्ट। तो चलिए रवि मार्ट में चलते हैं, देखते हैं यहाँ का रवि मार्ट कैसा है। वाह, ये पुतला रखा हुआ है रवि मार्ट में, अच्छा लग रहा है। लहंगा, लहंगा नहीं क्या, क्रॉप टॉप कहते हैं थिंक, सॉरी। देख सकते हैं ये रवि मार्ट है, जो मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत प्यारा दुकान लगा, मार्केट का फील आ रहा है इस दुकान में। और यहाँ पे मैं ब्लॉग करते हुए, तो आई होप कहीं यहाँ मिल जाए अभिषेक जी का टी शर्ट। मार्केट का लुफ्त उठाते हुए वो समोसा देख के पेट में चूहा कूदने लगा, और अभिषेक जी वेट कर रहे कब मिलेगा समोसा, कब मिलेगा समोसा। लो ना समोसा, देखते हैं कैसा टेस्ट है यहाँ का, गांव का जलेबी। और अभिषेक जी जलेबी का मुफ्त उठाते हुए, तो खा के बताइए सर कैसा है, कैसा है गांव का जलेबी, अच्छा है। तो चलिए अब हम भी ट्राई करते हैं, और क्या क्या करेंगे आपको दिखाते हैं आज मस्ती यहाँ पे। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं, पेटियाँ से तो हम लोग निकल चुके हैं, तो आप चलते हैं अगले जगह पे जहाँ मतलब सुधा डेयरी पे चलते हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये फोर लाइन है, हम लोग इसके नीचे से जा रहे हैं, दिखा ऊपर बस सड़क चलता है और नीचे हम लोग चलते हैं, और ये गाय बकरी भी चलती है, और मतलब अच्छा रूट है। और चलिए आपको सुधा डेयरी का लोकेशन दिखाते हैं, बाहर से ही दिखाएंगे। तो और बीच में रेलवे ट्रैक है, और हम लोग मस्ती भी कर रहे हैं, कितने दिन के बाद आए हैं, तो सोचे आए तो आप लोगों के साथ घूमे फिरे और शेयर करें अपने दिल की बात। तो पहले तो रेलवे गुमटी मतलब फाटक क्रॉस करते हैं, फाटक तो है नहीं, सिर्फ नाम के लिए रेलवे फाटक है। कब ट्रेन आ जाए कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। और ये देखिए नीतीश जी का बनाया हुआ पुल, बहुत मजबूत है। अरे यार किधर गया रास्ता, ये भाई रास्ता ही गायब हो गया, ये कैसे हुआ भाई। तो देखिए चलते उस पट्टी, रास्ता ही गायब है, कैसे जाएंगे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे आगे तो होगा उस पट्टी जैसे उस दिन आए थे उसी दिन। तो चलिए मिलते हैं लोकेशन पे आप लोगों से, और हम लोग आ चुके हैं सुधा डेयरी के पास। तो ये सुधा डेयरी का फैक्ट्री है, जो पूरे मुजफ्फरपुर में एक्सपोर्ट होता है सुधा का प्रोडक्ट। तो ये आई थिंक अंदर से तो बहुत खूबसूरत है, और बाहर से तो लग ही रहा है। देखिए ये रहा गेट इस सुधा डेयरी का मेन का, जो यहाँ पे सुधा का सामान भी अवेलेबल मिलता है हम लोग, और छोटा सा पार्क। और आप लोग देख सकते हैं इसी के अंदर पूरा फैक्ट्री है, पूरा कारोबार है सुधा का, जहाँ अपन के सबको प्रोडक्ट मिलता है। और अंदर जाते तो बहुत अच्छा लगता है, कोई ना एक दिन तो ज़रूर जाएंगे। और कुछ हमारे अभिषेक जी के साथी रोड पे घूम रहे हैं, तो अभिषेक जी कुछ कहिएगा। तो मैंने तो सिर्फ सुधा डेयरी बाहर से ही दिखा पाया आप लोगों को, और आप
चलिए अपने घर के तरफ चलते और बुआ के यहाँ आज मस्ती करेंगे और फिर परसों तो चल ही जाना है घर। और यहाँ का ब्यूटीफुल लोकेशन आप लोग देख सकते हैं। और ये रोड छपरा को कनेक्ट करती है, आई थिंक छपरा यूपी ये सब रोड मिलता है, ये वाला जो फोर लाइन गया है छपरा यूपी ये सब कनेक्ट होता है। तो थोड़ा फन करेंगे यहाँ पर और कुछ पिक लेंगे और फिर घर की तरफ चलेंगे। तो चलिए आप दिखाते आगे। तो आ चुके घूम फिर के फुआ के घर पे और अब फुआ चाय बना रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो चाय बन रहा है, तब फुआ भरा टाइम चाय और इतना सारा गेस्ट के लिए चाय छन रहा है। और अभी जी भी आ चुके हैं चाय पीने और आपके लिए स्पेशल चाय, वाह इतना स्पेशल ट्रीट मिल रहा आपको। Thank you.